तो जो मतलब डिम्पल जी उनका, हैं वो अभी भी आपके साथ टच में हैं? डिम्पल जी पहले तो काफ़ी टच में रहीं, जिन दिनों ये हादसा कारगिल वार ख़त्म हुई थी तो फ्रिक्वेंटली टच में रहती थी, लेकिन अब समय के साथ साथ थोड़ा सा टाइम भी गैप बढ़ रहा है, तो वो इन टच तो रहती हैं, लेकिन ऐसा है कि भाई खास ओकेज़न जब कभी होता है, कोई जन्मदिन का मौका है या कोई त्यौहार है, तो वो बात कर लेती हैं तो चली। जैसा कि मूवी में दिखाया था कि विक्रम मामू के क्रिमेशन पे वो मौजूद थे, तो वो चंडीगढ़ से यहाँ जिस दिन उनका क्रिमेशन सच में हुआ था, रियल लाइफ में हुआ था, तब वो आए थे? वो तो कुछ इंसिडेंट ये आपको याद हो? उनको पता चल गया था, शायद विशाल जी ने फ़ोन किया या किसी और ने फ़ोन किया, मुझे स्मरण नहीं है, फ़ोन कर दिया गया था, तो वो एकदम से अपनी भाई को और पेरेंट्स को लेकर के कार में वो आ गई थी, और अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ नहीं पहुँच सकी, उनका चेहरा नहीं देख सकी। जो हमारा यहाँ पर ग्राउंड है जिसको विक्रम बत्रा स्टेडियम हमने बिल्कुल नाम रखा हुआ है, वहाँ पर उनका जो उनका शव है रखा गया था, और वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित थे और अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे वहाँ पर, तो वो वहाँ नहीं पहुँच सकी, थोड़ा सा लेट हो गई वो, जब वो सारा प्रोसेशन जो है, यात्रा जो है, वो अंतिम यात्रा वो निकल चुकी थी और शमशान घाट के समीप पहुँच चुकी थी। शमशान घाट सड़क से थोड़ा सा नीचे की तरफ तो था, वो वहां मौजूद तो थी? नहीं, वो गाड़ी से आई हाईवे पर, नेशनल हाईवे जो है उसके साथ ही है, नेशनल हाईवे के साथ ही वो शमशान घाट जो है वो नेशनल हाईवे के साथ ही है, थोड़ा नीचे उतरना थोड़ा पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है। हाँ डाउनवर्ड से। तो वो आई, उन्होंने शमशान घाट के पास आकर अपनी कार रोकी, उनके भाई थे साथ में, और वहाँ पर कार रोकी, फटाफट जितने जल्दी हो सका वो बेचारी नीचे आई, जहाँ पर वो शमशान का नीचे शवदाह किया जाता है। तो उससे पहले आप उनसे कभी मिले थे? उसके पहले कभी नहीं मिले कभी नहीं मिले थे आप? थे, हम नहीं मिले थे, शायद विशाल मिले हों तो मैं कह नहीं सकता, पर हम नहीं मिले थे। नहीं मिले थे। तो वो फिर नीचे आ गई, और जहाँ पर लोग खड़े थे, लोगों के पीछे वो खड़ी हो गई, वो रो रही थी, कुछ लोगों ने बताया कि वो पीछे खड़ी हैं, एक महिला लड़की जो कि काफ़ी मायूस हैं, रो रही हैं। और उसके बाद में फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में वो हमारे पास, हमारे घर आ गई मैं आपको बताता हूँ, मेरे को मम्मा ने सुनाया था ये, थी। कि कैसे उन्होंने उनको पहचाना था, हाँ कि मम्मा बताते थे उनके बारे में कि वो जब आए थे ऊपर से, उन्होंने सनग्लासेस पहने हुए थे जब वो क्रिमेशन पॉइंट पे आए थे, तो उन्होंने सनग्लासेस पहने हुए थे। और मम्मा जब मामू के साथ में खड़े थे, लोग मामू के बिल्कुल जहाँ नज़दीक पे नज़दीक में, में खड़े थे, तो उन्होंने जो है रिकॉग्नाइज कर लिया उन्हें, कि वो एक हाँ, जैसे जो इनकी सूट पहने मित्र, जो हैं, वो इनकी रो मित्र रहे हैं, मित्र है इनकी, जो तो वही वो हो समझ सकती गए ये है, वही वो हैं। हो तो सकती उन्होंने, है, और उनकी उससे पहले भी बात हुई होगी उनसे, हाँ तो पहले, उन्होंने जो वो पहचान लिया और उनके पास चले गए, और उनसे उन्होंने मम्मा ने जो डायरेक्टली पूछ लिया कि आप हाँ, डिम्पल बिल्कुल हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो इतना तो खैर हमें पता था कि उनकी मित्र हैं, वो विक्रम जी ने हमें पहले ही बता दिया था जब वो चंडीगढ़ में थे, और मैंने जैसा कि पहले कहा कि हम लिबरल रहे हैं, हमने बच्चों को कभी जो है कभी स्ट्रिक्टनेस नहीं बरती, अगर वो किसी गलत रास्ते पर नहीं है, तो अगर बच्चा सही रास्ते पर जा रहा है तो उसके साथ बहुत स्ट्रिक्टनेस करने का कोई मतलब भी नहीं पैदा होता है, तो हम लिबरल थे, उन्होंने बता रखा था हमें कि इस तरह है, और मैंने पूछ लिया था कि ये आपका फाइनल सिलेक्शन है, कहने लगे हाँ डैडी ये मेरा फाइनल अच्छा सिलेक्शन आपने है, ऐसे पूछ रहे थे कि फाइनल बिल्कुल, सिलेक्शन है? दैट्स वाई आई वाह यार, अलाउड, आई आस्क्ड हिम इज इट योर फाइनल सिलेक्शन, और उसका भी, तो कहने लगे हाँ डैडी मेरा भी फाइनल सिलेक्शन है, उसका भी फाइनल मतलब सिलेक्शन उन्होंने है, अपनी तरफ से भी जवाब दिया और उनकी तरफ से भी जवाब हाँ दिया था। हाँ तो दोनों का फाइनल सिलेक्शन है ये। तो तो फिर मैंने कहा आपको, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और नानी को वो जो था वो बहुत अच्छा लगा था सुन हमें के? बहुत अच्छा लगा, बल्कि उन्होंने हमें फ़ोन भी किया दो बार, अच्छा, उन्होंने आपको फोन भी किया था जब वो कारगिल वॉर से पहले की बात की है? हाँ एक दो बार उन्होंने फ़ोन भी किया। तो जो थे विक्रम मामू का, कारगिल वॉर के बाद के क्या प्लान्स थे? उनके बाद का प्लान यही था, उनका भी और हमारा भी, क्योंकि वो तो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे कि कब मैरिज की जाए, क्योंकि प्यार जो है वो सच्चा प्यार था, कोई वो फ्लर्टिंग नहीं थी, प्योर लव था, सोलमेट जिसको कह सकते हैं। सारे आजकल सारे जो उनसे काफी ज्यादा मोटिवेट हुए हैं मूवी के बाद से, मूवी से पहले किसी को नहीं है ज्यादा लव सर, स्टोरी का आइडिया नहीं था, नहीं था, अब सारे उनको है कि वो हाँ मतलब प्यार चाहिए तो विक्रम और डिंपल की तरह से। इट वाज एक्चुअली लव स्टोरी, लव स्टोरी। तो फिर हमने भी निश्चित कर लिया था कि वापस आएंगे तो उनकी मैरिज कर देंगे, और बिल्कुल डिसाइडेड था, और उन्होंने भी सोच रखा था, क्योंकि वो इंतजार में थे कि लड़कियां नॉर्मली ये चाहती हैं कि मैरिज हो जाए जल्दी से, ठीक से हो जाए। वैसे हमारे लिए तो हिंदू और सिखों में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक जैसे हैं, और हम बिल्कुल तैयार रहे हैं, इनकी मैं शादी के लिए तैयार थे,
और शायद इसकी सीरियसनेस का उनकी बच्चों की दोनों की देखते हुए वो भी इस बात को तैयार थे ऑलमोस्ट, और ये हमने सोच लिया था कि जैसे ही वो आएंगे वापस तो हम उनकी मैरिज कर देंगे, लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था। तो और जैसे मैं उनका इंटरव्यू देखता हूँ अभी भी, आज भी मैं मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता जब उनका इंटरव्यू नहीं देखता जिसमें वो हंस रहे हैं, जो उनका इंटरव्यू बरका दत्त जी के साथ है, तो ऐसा लगता है उस इंटरव्यू को देख के कि जैसे वो वही उनका असली जो था वो बेस्ट टाइम था, क्योंकि उसमें वो हंस रहे हैं, कोई जैसे इतनी ऊपर इतनी जंग लड़ रहे हैं इतने हाइट पे और उन्हें कोई खौफ नहीं है किसी चीज़ का और वो एकदम हंस रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बताऊँ आपको कि जब ये पढ़ते होते थे स्कूल में तो मैं ये सोचता था अक्सर कि मैं इनको भागवत गीता जो है वो लेकर के दूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिए हैं जो उपदेश दिए हैं तो वो मैं इनको दूंगा लेकर के, ताकि इनके व्यक्तित्व में इनकी पर्सनैलिटी में ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप हों। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इनके अंदर तो ऑलरेडी जो है वो भगवान कृष्ण के जो संदेश हैं इनके अंदर हैं, इनकी आत्मा में समाये हुए हैं। वो तो सदैव खुश रहते थे, हंसते रहते थे, बड़े मजाक किया थे, हंसते थे, हंसाते रहते थे लोगों को, और कभी उनके चेहरे पर शिकन दिखाई नहीं पड़ती। और वहां पर भी जो लड़ाई के मैदान में कारगिल वार के समय भी ऐसा लगता था जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उनका होंडा सिटी लेने का बहुत मन था, और उनके पास कॉलेज टाइम में कि वो बाइक भी होती थी यामाहा RX 100। जी हाँ, बाइक होती थी जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्होंने बाइक ली थी। हाँ जी, क्योंकि कॉलेज में उस समय बच्चों में ये फैशन था कि एक ट्रेंड था कि वो बाइक होनी चाहिए, तो आपने लेके दी थी उनको? हाँ, वो मैंने उनको लेके दी थी, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि डैडी मुझे बाइक चाहिए है, और यदि भी ऑलरेडी स्कूटर था इनके पास, पर मैंने कहा आप स्कूटर ले जाओ, तो कहने लगे नहीं बाइक ही चाहिए मुझे, बाइक कॉलेजेट्स में उन दिनों बाइक का कभी शौक था। तो उस टाइम पे सबको यही शौक होता होगा कि यामाहा RX 100 लेनी, यामाहा का ज़्यादा था, यामाहा का ज़्यादा था। तो कहने लगे कि बाइक ही लेनी, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं ले लो। तो फिर वो आए वहाँ से, चंडीगढ़ से आ गए, और मैंने फिर उनको अपने GPF वगैरह से उनका अमाउंट निकाल के दिए, चेक वगैरह दिए बना करके कि आप ले जाइए। उस समय यामा की कीमत कोई 45,000 थी, और मंडी में उसकी एजेंसी होती थी, और ये गए वहाँ से बाइक ला कर लाए वो, फिर चंडीगढ़ ले गए कॉलेज में। तो वहाँ चलाते रहे ये काफ़ी 2-3 साल, जो तो एक साल डेढ़ साल चलाते रहे। हाँ, डेढ़ साल के पर कि 2 साल समझ लीजिए। और ये होंडा सिटी वाला क्या किस्सा था? होंडा सिटी वाला किस्सा ये था कि जब इनको कार का भी शौक था, क्योंकि काफ़ी शौकीन थे उस टाइम पे, आपके पास कार होती थी? खाने पीने के और अच्छी अच्छी चीज़ों के, और बड़े रॉयल किस्म के थे, रॉयल नेचर के थे। तो उस टाइम पे आपके पास कार बड़े रॉयल नेचर के थे, और वो इतने रॉयल नेचर के थे कि जब चार फ्रेंड कॉफी पीने बैठते थे सबसे पहले पर्स इनका ही निकलता, दूसरे ऐसे ऐसे करते रह जाते। इस किस्म के थे। तो उस टाइम पे आपके पास कार होती थी? कार उस समय नहीं थी हमारे पास, स्कूटर होता था। हाँ, स्कूटर ही था। तो मैंने फिर वो ले गए बाइक, ले गए 2-3 साल चलाई उन्होंने वहाँ पर चंडीगढ़ में। तो होंडा सिटी ले पाए वो? उसके बाद में फिर इनका कार पर नज़र थी, तो फिर जैसे ही इनका कमीशन मिला और ये लेफ्टिनेंट बने, लेफ्टिनेंट अपॉइंट हुए, सोपोर में इनकी पोस्टिंग हो गई एज ए लेफ्टिनेंट। और सोपोर बड़ा मिलिटेंसी वाला एरिया है, जैसे आप सभी जानते हैं कि बहुत मिलिटेंसी वाला एरिया है, आज की डेट में भी वहाँ कई घटनाएँ ऐसी होती रहती हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, मारे जाते हैं बहुत। तो फिर वहाँ पर भी इनकी लगभग मेरा ख्याल एक साल की भी नहीं बल्कि 7-8 महीने की सर्विस हो गई थी। तो इनके वहाँ पर ही कोई मित्र थे कश्मीर से, सुपौर से, उन्होंने एक जेन गाड़ी खरीदी हुई थी, पहले ही ली थी, 1.5-2 साल पहले खरीदी थी। तो उनके साथ में इनकी बातचीत हो गई कि वो कहने लगे मैंने बेचनी है, इन्होंने कहा आपने बेचनी है तो चलो मैं देखता हूँ। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि डैडी एक बड़ी अच्छी जेन मिल रही है और बिल्कुल अच्छी कंडीशन की है और चली भी थोड़ा है, 1-2 साल पुरानी है, बिल्कुल न्यू कंडीशन की है। तो मेरी उससे बात हो गई है कोई 2.5 लाख की, 4.5 लाख की गाड़ी होती थी वो उस वक़्त, और मेरी बात हो गई है तो भाई वो 2.5 लाख पर सेटल हो गया है, तो आप मैं लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बेटा अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी अभी आपकी सर्विस बहुत थोड़ी हुई है और 1.5-2 साल और रुक जाओ तो फिर ले लेना। कहते तब तो फिर मैं बड़ी वाली होंडा सिटी लूँगा। तो मतलब उनकी ड्रीम कार जो था कि वो होंडा सिटी, तो फिर वो ले पाए कि नहीं? नहीं, वो फिर पहले तो उन्होंने जेन ले ली वहाँ पर, वो उनको मैंने पैसे वैसे के यहाँ से उनको चेक ड्राफ्ट बना करके भेजा सारा, कुछ GPF से लिया पैसा मैंने अपना, और जो हमारा प्रोविडेंट फंड होता है वहाँ से पैसा लेकर के उनको ड्राफ्ट वगैरह बना के भेजा, और वो गाड़ी उन्होंने ले ली। और फिर वो गाड़ी जो है वो कश्मीर तक कोई ड्राइव करके लाया, आगे वो खुद ड्राइव करके लाए उस गाड़ी वहाँ से, श्रीनगर से, वो यहाँ पालमपुर श्रीनगर तक तो वो कोई लाया था
अपना कोई हमारे फौजी भाई कोई लाए होंगे जनरल, तो उसके बाद में जो है वो स्वयं उसको ड्राइव करके लाए, तो वो यहाँ पालमपुर तक लाए थे उसका। हाँ पंजाब में लाए पहले, और पंजाब में उनके कुछ मित्र थे वो साथ में मिल करके फिर वो यहाँ तक लाया। तो फिर वो होंडा सिटी नहीं, तो वो होंडा सिटी उस वक्त तो नहीं ली जा सकी, क्योंकि उसके बाद फिर वो गाड़ी यहीं तो हमारे पास ही रखी थी, बल्कि वो तो अपने दोस्त को कहते थे कि देखो मैंने अपने डैडी को कार गिफ्ट की है, जो जेन थी। हाँ नहीं वो जो होंडा सिटी, होंडा सिटी वो क्या नाम उसका, जेन, जेन, जेन। तो वो अक्सर क्योंकि यहीं छोड़ गए थे वहाँ, तो बॉर्डर पर या कश्मीर में कहाँ चलानी गाड़ी, तो वो फिर यहीं छोड़ गए थे, और बल्कि बहुत खुश थे वो कि मैंने मम्मी पापा गाड़ी दी है लेके दी। हाँ खुश थे बहुत कि मेरी जॉब लगी और मैंने मम्मी पापा को गाड़ी लेके गाड़ी लेके, तो वो कहते भी थे अपने फ्रेंड से कि मैंने पापा को गाड़ी गिफ्ट की है, तो हमें भी अच्छा लगता था इस बात से। तो यहीं रहती थी गाड़ी, मैं यूज़ करता था उसको, ड्राइवर रखा हुआ था और मैं यूज़ करता था उसको, लेकिन वो होंडा सिटी नहीं, होंडा सिटी वो नहीं ले पाए। बाद में फिर हमें लगा कि हमें गाड़ी लेनी है तो होंडा सिटी लेनी है, क्योंकि उनकी इच्छा थी तो हमने होंडा सिटी। तो उनकी याद में आपने खुद जो पहली गाड़ी ली थी वो थी होंडा सिटी। तो उनकी शहादत का जो है वो आपको कैसे पता लगा था? उनकी शहादत का पता इस तरह लगा, मैं अपने ऑफिस में था और ये 8 जुलाई 1999 की बात है, और मुझे 4 बजे वहाँ से ऑफ होता था मैं, मुझे फ़ोन आया मिसेस बत्रा का, तो इन्होंने कहा कि आप जल्दी से आ जाइए, आर्मी कैंट से कुछ ऑफिसर्स आए हुए हैं और कुछ मैसेज है उनके पास। वो घर के आसपास ही थे मतलब? हाँ घर में ही पहुँच गए थे, घर पहुँच गए थे, घर पहुँच गए थे, और घर के पास बाहर भी कुछ पड़ोसी 2-4 इकट्ठे हुए हुए थे, पड़ोसी भी इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे हो गए थे। तो मुझे शक है कि आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, तो मैं इमीजिएटली मैं निकल गया वहाँ से, निकल पड़ा। तो मुझे पहुँचने में, घर पहुँचने में, मेरा जो पोस्टिंग प्लेस था वो थोड़ा सा अबाउट 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम, 15 to 20 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। सो मैं एकदम से निकला और मैं आया, घर पहुँच गया मैं। तो घर पहुँचा, जैसे ही मैंने अंदर गया मैं, एंटर किया, तो वो एक दो कर्नल थे पालमपुर कैंट से, दो कर्नल, आई स्टिल आई रिमेंबर देयर नेम्स, एक कर्नल गोयल थे और एक कर्नल पुंज थे, पालमपुर से थे वो, इनकी पोस्टिंग होती रहती है, बाद में ट्रांसफ़र हो गए। तो वो दोनों, एक कर्नल पुंज और कर्नल गोयल, वो दोनों खड़े थे और साथ में कुछ आसपास के 2-4-5 लोग भी खड़े थे, पड़ोसी। हाँ पड़ोसी थे। तो जैसे मैं किया तो मेरी वाइफ मिस बत्रा ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप पहले डायरेक्ट अंदर आइए, और अंदर आकर के आप, हर घर में एक मंदिर होता है, एक रिलीजियस प्लेस होता है, पूजा स्थान कर लीजिए। तो वो मैं कह लगे आप पहले जाइए वहाँ, माथा टेकिए, पता नहीं इन्होंने क्या बताना है, यू फर्स्ट गो देयर। कर मैं इनके अनुसार चला गया अंदर, जाके मैंने प्रार्थना की, बाहर आया। तो जब मैं बाहर आया तो कर्नल पुंज ने मुझे मेरे शोल्डर से पर हाथ लगाया और थोड़ा सा मुझे दूर ले गए बाकियों से, कहते हैं बता साहब एक अपना सैड न्यूज़ है, कैप्टन विक्रम बत्रा नहीं रहे। सो दैट वाज ए वेरी शॉकिंग न्यूज़ टू मी एट द टाइम, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज़ सुन करके कोई भी आदमी नॉर्मल नहीं रह सकता। नहीं रह सकता बिल्कुल, बहुत मुश्किल टाइम रहा होगा। जैसे उन्होंने ये बात कही तो मैं एकदम गश खा करके गिरने ही वाला था, कि एक मेरे फ्रेंड थे शॉपकीपर हैं, वो भी आए हुए थे वहीं पर थे, हमारे घर के पास में दो थोड़ी दूर पर शॉप थी उनकी, तो वो भी वहीं खड़े थे। तो जैसे उन्होंने बोला कि ये विक्रम बत्रा नहीं रहे, कैप्टन विक्रम बत्रा, तो वो मैं गश खा के गिरने ही वाला था कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया और अपनी छाती से उन्होंने मुझे चिपका के रखा। सो एक दो दिन तो मैं संभल नहीं पाया बिल्कुल, और 2 दिन के बाद धीरे धीरे फिर जो है मैंने संभलना शुरू किया कि नहीं चलो ये देश की खातिर गए हैं, एक बहुत बड़ी बात है कि एक इतना, एक भारत महान, इतना महान देश, इतना विशाल देश, उसकी रक्षा करने में उन्होंने अपना बलिदान दिया है। बस ये सोच करके मैंने अपने मन को, जो है मेरा मन गौरवान्वित भी महसूस किया मैंने अपने आप को, और जो है मैं संभला। तो नानू जी, जैसे आपको आज उनको सोच के जो बहुत प्राउड फील होता होगा, हम सबको पूरे देश को जो है बहुत जो है वो प्राउड फील होता है, लेकिन आपको आज भी उनको देख के मतलब ऐसा लगता है कि वो आपके साथ में है? बिल्कुल, बहुत प्राउड फील होता है, और कई बार फिजिकली हम उनको मिस तो करते हैं, लेकिन उनकी जो स्पिरिट है
उनकी जो आत्मा है वो हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारे आसपास रहती है मुझे लगता है, और हम उनको बिल्कुल जो है अनुभव करते हैं अपने आप में। बल्कि मैं तो यहाँ तक अनुभव करता हूँ कई बार कि अगर हमें कोई किसी प्रकार की कोई कठिनाई भी आती है तो वो भी उसका हल वो निकाल देते हैं। मतलब आप ऐसे प्रे करते हो उनसे, और मतलब मन में हम ऐसा सोचते हैं कि आप हमारे साथ हो तो वो वाइब्रेशंस पहुँच जाते हैं, वाइब्रेशंस पहुँच जाते हैं। बल्कि हम तो क्या, मैंने बहुत से लोग ऐसे बिल्कुल मैं खुद भी सुने हैं, देखे हैं, जो कहते हैं कि उनकी उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो पता नहीं कहाँ से आती हैं, हमें पॉजिटिव एनर्जी उनसे मिलती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, पूरी फैमिली जो है उनको मतलब भगवान मानती है। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और वो भगवान से कम नहीं होते हैं। ऐसे लोग, ऐसे लोग जो होते हैं भगवान से कम नहीं होते, कुछ टाइम के लिए आते हैं। हाँ, बस चले जाते हैं। ये ऐसे लोग जो हैं वो ईश्वर उनको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए भेजता है कि ये काम करना है, और उसके बाद उस काम को करके वो चले जाते हैं। और आप देखेंगे हमारे बहुत से महापुरुष ऐसे हुए हैं जो कि आए हैं और बहुत छोटी उम्र में अपना काम करके तुरंत चले गए। ये लोग जन्म नहीं लेते हैं, ये लोग आते हैं और जाते हैं। आई बिलीव दैट दीज पीपल लाइक विवेकानंद, लाइक शंकराचार्य, लाइक भगत सिंह, लाइक कैप्टन विक्रम बत्रा, दीज पीपल आर नेवर बॉर्न, दे जस्ट कम टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक काज, एंड आफ्टर द परफॉर्मिंग दैट काज दे रिटर्न बैक। और उनके होते होते तक हमारे को पता भी नहीं लगता कि वो इतना बड़ा काम कर जाएंगे। यस, ये पता नहीं लगता उनके होते हुए, आपको कभी पता नहीं लगेगा, आप कभी सोच नहीं पाएंगे कि ये इतना बड़ा काम कर जाएंगे। लेकिन जब वो कर जाते हैं, हाँ कुछ अनुभव थोड़ा सा होता है, क्योंकि थोड़े से ये डिफरेंट तो होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं और थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। लेकिन ये है कि पूरा पूरा आप ये फील नहीं कर सकते कि वो ऐसा इतना बड़ा काम कर जाएंगे। ये बाद में फिर लगता है कि यार ये तो शायद इसी काम के लिए आए थे, और उनकी जो एक महानता है उसका अनुभव तब होता है। तो उनके जाने के बाद आपको कुछ चीज़ें रिकॉल होती होंगी जिससे आपको लगता होगा कि नहीं, उनमें ये क्वालिटी थी, ये क्वालिटी थी जो वो आज इतना बड़ा काम करके चले गए हैं। हाँ, उनमें जो एक मैं सबसे कहूँ कि प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत था। बल्कि उन्होंने आखिरी पत्र हमें दो लिखे हैं, उसमें ये लिखा है कि लव ऑलवेज, हमेशा प्यार, लव ऑलवेज। मैंने कुछ बुक्स भी देखी उनकी, वो लिखते हैं उसमें लव ऑलवेज। प्यार मोहब्बत बहुत था उनके अंदर, दूसरों के लिए दर्द बहुत था उनके अंदर, और देश के लिए और समाज के लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा भावना थी। बचपन में ये कहानियाँ अक्सर सुना करते थे, भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी की, गुरु गोविंद सिंह की, ऐसे ऐसे महान पुरुषों की कहानियाँ मैं अक्सर उनको सुनाता था, और उनके अंदर वो सारी जो एक उनका जो माइंडसेट था वो बना हुआ था स्टोरी। तो नानू जी, अगर आज जो मामू साथ में होते हैं हमारे, तो आप उनको अभी क्या कहते हैं? देखो, अगर आज होते, मैं आपको बताऊं कि जब उनका उनकी शहादत हो गई कारगिल में, तब हमारे जो उस वक्त आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक हुआ करते थे जी, वो हमारे घर पर आए थे और हमारे पास बैठे थे। तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि बत्रा साहब, अगर ये लड़का वापस आ जाता तो ये अपने रिटायरमेंट तक मेरी रैंक तक जाता। ये उनके शब्द हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो कर, जो उन्होंने मुकाम अचीव किया है वो तो बहुत बहुत ऊपर का है, बहुत ऊपर का, वो तो हर रैंक से ऊपर है। लेकिन ये है कि अगर फिजिकली वो होते तो आज एक बहुत अच्छी रैंक में होते और हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी वो एक हस्ती होते, हस्ती होते हैं। और जब आपको पता लगा था कि उनको जब वो परमवीर चक्र उनके नाम किया जा रहा है, तो आपको तब कैसा लगा था? तब मुझे, जिसको कहते हैं ना कि जो आदमी डूब रहा है, या डूब तो नहीं मैं कह सकता कि वो गोते खा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, और उसको कोई सहारा मिल जाए तो वो समझ जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ हुआ जब उनको परमवीर चक्र की घोषणा हुई, तो मेरा मन जो है वो बहुत संभल गया, संभल गया था, बहुत संभल गया था।
क्योंकि इतनी इतना सम्मान पा लेना, देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान जो है, वीरता का सम्मान है, वो अगर पुत्र को प्राप्त हो गया है तो वो एक अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात होती है। अगर आज मैं जाना चाहता हूँ तो मैं एज ए फादर ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा जाना चाहता हूँ, और इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो अभी मैं बता रहा था आपको कि वो उनके दिल में बहुत प्यार मोहब्बत था, सबको संभाल लेना चाहते थे, सबकी सहायता करना चाहते थे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी वहाँ चंडीगढ़ में ये पढ़ रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे, तो पीजीआई जो है पंजाब में वो बिल्कुल इनके हॉस्टल के सामने हुआ करते थे, और ये वहां जाकर के एक दिन अपनी मरणोपरांत आईज डोनेट कर रहे थे। मतलब कितनी एज थी उनकी उम्र उस समय? 21-22 साल। 21-22 साल थी तो 21-22 साल थी तो 21-22 साल के उम्र में उन्होंने वो आईज डोनेशन कर वो साइन कर दिया था। जब वो फॉर्म साइन कर दिया, इनको कार्ड मिल गया, वो कार्ड हमेशा अपने वॉलेट में रखते थे। जब कार्ड भी हमेशा वॉलेट में रखना पड़ता है, तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो विद इन 20 आवर्स के बदले कितने आवर्स में वो वहां पहुंचाना पड़ता है आपने जी। अगर उसका रेटिना वगैरह लेना है, कोई पार्ट लेना है उसी आईज का, तो वो आपको लिमिटेड पीरियड होता है 2 आवर्स का, उतने आवर्स में बॉडी आपको वहां पर सेंटर में पहुंचानी पड़ती है आई हॉस्पिटल में, तब वो चीज जो है। तो वो उसका जो कार्ड बना हुआ था उनका आई डोनेशन का, वो आई डोनेशन कार्ड हमेशा अपने वॉलेट में ही रखते थे सब। वो इसलिए रखा जाता है कि कल को कहीं पर कोई हादसा हो जाता है तो इमीडिएटली विद इन दैट पीरियड वो काम पूरा हो जाए। तो ये था उनका जज्बा, और ये थे वो तो यही मानते थे कि लाइफ चाहे किसी भी छोटी हो किंतु जिंदगी बहुत बड़ी, उम्र भले छोटी जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, उम्र भले छोटी हो पर जिंदगी बहुत बड़ी हो। वहां मुझे वो परमवीर चक्र दिखाओ। मैं परमवीर चक्र दिखाता हूँ।